आजादी के 75 साल हो चुके हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे नागरिक से जिन्होंने इस साल अपने ड्यूटी पे चमत्कार से कुछ कम नहीं किया। मेरा नाम है कैप्टन मोनिका खन्ना। मैं स्पाइसजेट एयरलाइंस में बोइंग 737 पे कमांडर हूँ। 11th-12th में आई, मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे पायलट ही बनना है, तो पापा ने मुझे बोला स्कोर अबव 80% आई विल टोटली सपोर्ट यू। डेस्टिनी थी मेरे, जितने पापा ने परसेंटेज बोले थे 80 के ऊपर उतने ही आए, एंड माई डैड थ्रू आउट सपोर्टेड मी देयर आफ्टर। 2011 आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विद स्पाइसजेट एयरलाइंस टू फ्लाई एज ए फर्स्ट ऑफिसर। 19 जून 2022 बहुत ही अच्छी फ्लाइट मेरी लगी थी, दिल्ली पटना दिल्ली। हमने पहला सेक्टर ख़त्म किया दिल्ली पटना, पटना में हम बिफोर टाइम लैंड करे, और उसके बाद जस्ट बिफोर रोटेशन मैंने एक बर्ड देखी जो मेरे लेफ्ट की तरफ जा रही थी। अब वो बर्ड इंजन पे भी हिट कर सकती थी, विंग पे भी हिट कर सकती थी, फ्यूजलाज पे भी हिट कर सकती थी, या बच भी सकती थी। उसके बाद जैसे ही हमने लिफ्ट ऑफ किया, हमें बहुत ज़ोर से आवाज़ आई कॉकपिट में, मैं समझ गई कि बर्ड हिट हो चुकी है। उस बर्ड हिट की वजह से हमारा लेफ्ट इंजन मैलफंक्शन हो गया। उस टाइम पे हमारा मेजर एम था कि हम एक मिनिमम सेफ ऑल्टीट्यूड पे पहुंचे, एंड उसके बाद आगे जाके अपने प्रोसीजर्स करें। मेरे पैसेंजर्स को पता चल गया था, क्योंकि जो आवाज़ हमें कॉकपिट में आई थी वो पैसेंजर्स को पीछे भी सुनाई गई थी। उनको आइडिया हो गया था कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग, बट मेरे पैसेंजर्स ने बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट नहीं किया। आई बिलीव उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था हमारे अंदर। अपने सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट करे, देन हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, हमने वो सब कंप्लीट करे, इंजन नंबर 1 शट डाउन किया, वो सब करते करते टीम एफर्ट के साथ हम पटना में सेफली लैंड करें। वाओ, मैं दिल से फख्र के साथ मंच पर बुलाना चाहूंगा कैप्टन मोनिका खन्ना को। सारे जहां से प्यार मेरे भारत की बेटी। मैम, आपको दिल से सैल्यूट। मोनिका जी, मैं देख रहा था कि वो एक जो वीडियो था उसमें जो इंजन में है उसमें तो कुछ फिल्म्स भी नजर आ रहे थे, ऐसे में तो हाउ डू यू मेंटेन योर कंपोजर और काम? अगर मैं ही घबरा जाऊं जी तो मेरे पैसेंजर्स का क्या होगा पीछे? क्या बात, तो घबराना तो हमारे लिए है ही नहीं, घबरा नहीं सकते हम। मेरे पैसेंजर्स को मेरे ऊपर काफी विश्वास था, मैं बता नहीं सकती। जब लैंडिंग हुई थी, एक तो तालियां, इतनी जोर से तालियां बज रही थी, कॉकपिट में इतनी जल्दी आवाज नहीं आती है, कॉकपिट तक आवाज आ रही। मैं बाहर आई, मैं बयान नहीं कर सकती, इतना प्यार था पैसेंजर्स की आंखों में मेरे लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।